अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो के साथ नई इंफॉर्मेशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि बजट आने वाला है और सरकारी मुलाज़मीन के दिलों की धड़कने तेज़ हो चुकी हैं कि तनख्वाहों और पेंशन में कितना इजाफा होगा, क्या होगा, क्या नहीं होगा। तो इस हवाले से जो भी इंफॉर्मेशन जहां से भी मिलती है, कोशिश की जाती है आपके इस चैनल के ज़रिए आप तक पहुंचाई जाए, ताकि आपको आने वाली हर अपडेट का पता चल सके कि क्या सिचुएशन चल रही है और क्या इस हवाले से अपडेट आ रही है। तो आपको बताता चलूं, पिछले दिनों मैंने खबर दी थी कि 80 अरब का पैकेज तैयार करने का सरकारी मुलाजमीन के हवाले से जो है वो एक हुक्मनामा दिया गया है। अब एक और ख़बर आई है जो उस 80 अरब का जो पैकेज दिया जाएगा उसमें एक और तजवीज़ शामिल कर दी गई है कि ये 80 अरब सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में किस तरह तकसीम किया जाए कि सरकारी मुलाजमीन भी मुतमिन हो जाएँ और 80 अरब रुपये का पैकेज भी दे दिया जाए। तो उस हवाले से एक अखबार ने बहुत बड़ी खबर शाया की है, वही डिटेल आपको देने जा रहा हूँ। मगर उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बराए मेहरबानी इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें। बढ़ते हैं डिटेल की जानिब। 80 अरब का पैकेज मुलाजमीन की तनख्वाहों में ग्रेड वाइज इजाफे की तजवीज़। ग्रेड 1-16 तक बुनियादी तनख्वाह में 50%, 17-19 तक 30%, ग्रेड 20-22 तक 20% इजाफा किया जा सकता है। इस्लामाबाद से खबर है, वफाकी बजट में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों, मरात और पेंशन में इजाफे के लिए 80 अरब रुपए के पैकेज के तहत वजारतों और डिवीज़न के ग्रेड 1-16 तक के मुलाजमीन की बुनियादी तनख्वाह में 50%, 17-19 तक 30, ग्रेड 20-22 तक 20% इजाफा किया जा सकता है। ये तजवीज़ दी गई है जो कि 80 अरब रुपए का पैकेज करने के हवाले से कि मुलाजमीन की तनख्वाहों में ग्रेड वाइज इजाफा कर दिया जाए। आपको ये तजवीज़ कैसी लगी है, क्या आप इससे मुतमिन हैं, नहीं मुतमिन, तो आप नीचे कमेंट्स में अपनी राय का इजहार भी ज़रूर कीजिएगा। ये थी अब तक की ताज़ा तरीन अपडेट। इसके बाद अगर कोई मज़ीद इंफॉर्मेशन भी आएगी तो वो आपके इस पसंदीदा चैनल के ज़रिए ज़रूर शेयर करूँगा। लेटेस्ट अपडेट आपने सुनी है, उम्मीद करते हैं इंफॉर्मेशन आपको ज़रूर पसंद आएगी। पसंद आने पर फिर वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। अल्लाह हाफिज़।